नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं नेहा। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां भारतीय जनता पार्टी में पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद सर्किट हाउस पर प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से रूबरू हुए। पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा प्रेस वार्ता में कहा कि सड़क, बिजली, पानी सभी व्यवस्था चरमरासी गई है, शहर के नरकीय हालत हो रहे हैं। अब हम पार्टी में वापस हुए हैं तो आम जन की लड़ाई को लड़ेंगे। साथ ही उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत को सेहरा बांधकर विजयी बनाएंगे। ये रिपोर्ट इमरान अली खान, ब्यूरो। कि भारतीय जनता पार्टी को जितना मजबूत किया जाए उतना अच्छा रहेगा। वर्तमान परिस्थितियों में कई चुनौती है। आज पूरा देश आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। वही हालत अपने मध्य प्रदेश के थे। 17 महीने में आपने कांग्रेस की सरकार देखी, जिसमें आज तक बदले की भावना से कार्रवाई, भ्रष्टाचार और ट्रांसफर उद्योग धंधा बन चुका था। हमने भी अपने लोगों से चर्चा की और चर्चा करने के बाद जितने भी हमारे साथी और कार्यकर्ता बंधु थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। तो उनसे जब चर्चा की तो सबका एक मत था कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया जाए। उसी के तहत आज हमने कल ग्वालियर में हमारे पास टेलीफोन आया और बुलाया गया, उसके बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी में हमको सम्मिलित किया गया। वैसे तो मूल रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। वर्तमान परिस्थिति ऐसी बनी जिनमें मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। चुनाव के बाद भी चुनाव जरूर लड़ा, उस दल का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। उन लोगों ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ हमारा साथ दिया था। लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता की जो इच्छा थी कि आज मध्य प्रदेश में और विशेषकर भिंड जिले में विकास कैसे हो, जिस 17 महीने में विकास की गत रुक गई, आज चाहे शहर की हालत आप देखते, चारों ओर शहर फूटा पड़ा हुआ है, सड़कें नहीं चलने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं, बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। इन सबको अंकुश लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जाना हमारा जरूरी था और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में पहले से भी हम रहे हैं, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी पुनः ज्वाइन की। किन शर्तों पे आप बीजेपी में गए? शर्त बीजेपी में कोई है ही नहीं। मूल रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। पार्टी यहाँ हमने खड़ी की थी। पीड़ा हमको थी कि पार्टी धीमे धीमे कमज़ोर होती चली जा रही, तो इसलिए खुद मुझे पीड़ा थी। हमारी कोई शर्त नहीं है। जिस पार्टी को, जिस पौधा हमने लगाया हो उस पौधा को और मजबूती देंगे। कोई शर्त हमारी पार्टी की श्रीमंत ज्योतिदत्त सिंधिया महाराज जी और नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में कल हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। क्या आने वाला पूरा जीवन भाजपा में कटेगा? नहीं कटेगा ही, भारतीय जनता पार्टी का मैंने पहले ही बताया था आपने। आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते महंगाव, गोहद और मुरैना में सभी सीटें जो उपचुनाव है भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीते। हमको वहाँ मेहनत करना पड़ेगी। हमारी जो टीम है सारे कार्यकर्ता वहाँ ईमानदारी से, महंगाओं है, मुरैना की सीटें हैं, कुछ गोवा है, हम लोग मेहनत करेंगे और लगन के साथ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। निश्चय रूप से भारतीय जनता पार्टी जो शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं 15 सालों में, चाहे गाँव, गरीब, किसान, बिल्कुल रुक गया था विकास, उनके नेतृत्व में आज लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी के नेतृत्व में विजयी हो। सदस्यता ग्रहण करने के बाद नगर पालिका में किस प्रकार से आप ध्यान आकर्षित करेंगे? नगर पालिका के कार्यों पर किस प्रकार से ध्यान आकर्षित करेंगे आप सदस्यता ग्रहण करने के बाद? नहीं, नगर पालिका जो पहले कार्य करती थी उसी हिसाब से नगर पालिका कार्य करेगी। निश्चय रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद जो है सबका उसमें अंकुश रहेगा और गलत काम अगर नगर पालिका करेगी उसको हम पार्टी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से रोकेंगे। पिछले दिन आप जो है आपने कुछ कार्य किया था, हम जनता के लिए जो करना पड़ेगा
आम जन के लिए, व्यापारियों के लिए, किसान के लिए, नौजवानों के लिए, वो सारे उपाय हम सरकार के माध्यम से कराने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन हमसे नहीं है, नहीं हम बगावत नहीं मानते हैं उसको। गुस्सा में कोई निर्णय हो गया होगा जो निर्णय भाजपा को भुगतना पड़ा, नहीं हमको भी भुगतना पड़ा और भाजपा को भी बहुत पड़ा। हमको भी प्रकार भाजपा वर्तमान में जो भिंड के विधायक हैं संजीव सिंह कुशवाहा, वो भी भाजपा को अपना किसी न किसी रूप में समर्थन दिए हुए हैं, कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे आप? कैसे भाजपा को समर्थन उनका है विधायक के रूप में, तो आप दोनों का सामंजस्य कैसे बैठेगा? दोनों विपरीत दिशा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आ जाएंगे तो सामंजस्य बैठा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो सामंजस्य बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो उनके भारतीय जनता पार्टी एक तरह का समुद्र है, जो आ जाएगा उसमें हम लोग सब मिलकर समझौत कर लेंगे। पार्टी बड़ी है और उसमें सारे कार्यकर्ता सिंधिया जी के हैं, वो भी अब पार्टी में आ गए तो हम एक समान हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, सब मिलकर काम करेंगे। कुछ लोगों ने बड़ी आशाएं लगाई थी कि भाजपा में जाएंगे तो बड़ा लाभ कमाएंगे, लेकिन आपके आने के बाद उनकी आशाएं टूट गई। नहीं, सोचना नहीं चाहिए लोगों को। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आज प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को चाहता, भारतीय जनता पार्टी में हम आए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। उसके बाद आपको लगेगा कि विकास क्या है। जिस तरह से पहले हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीवर जैसे प्रोजेक्ट, टेनकुर हेलंगवा जैसा पुल, गौरी सरोवर का जो निर्माण कराया था, वो तो बहुत सी ऐसी योजनाएँ हैं जो हमारी अधूरी थी और उनको पूरा करने के लिए आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है और हम लोग भी उसके एक अंग हैं। भिंड के विकास के लिए तन मन धन से पूरा भिंड की जनता का।